देश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव का बिगुल बज चुका है। 8 जुलाई को होगा नामांकन, 10 जुलाई में पड़ेंगे वोट और उसी दिन होगी मतगणना। ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर चाहे वह सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी हो, विपक्ष में मजबूती से राजनीति कर रही समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या फिर बहुजन समाज पार्टी हो, सभी ब्लॉक प्रमुख चुनाव जीतने के लिए पूरी भागदौड़ कर रहे हैं। ब्लॉक प्रमुख चुनाव पर चर्चा करने के लिए इस समय हमारे साथ में जनपद सहारनपुर की एक बहुत ही मजबूत राजनीतिक शख्सियत, पूर्व कृषि मंत्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी के सुपुत्र, समाजवादी पार्टी के गंगो विधानसभा प्रभारी चौधरी इंदर सेन जी मौजूद हैं। चौधरी साहब, सबसे पहले तो हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आपके बड़े भाई चौधरी रुद्र सेन जी समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, तो मेरा आपसे सबसे पहला प्रश्न यही है कि ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर किस प्रकार की रणनीति आप लोगों की रहेगी? देखिए, मेरे पिता तुल्य बड़े भाई चौधरी रुद्रसेन जी ने जिला अध्यक्ष का पद जब से संभाला है, उससे पहले से ही हम लोग जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किसानों की, मजदूरों की, छोटे व्यापारियों की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। उस आधार पर हम कह सकते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में और बड़े भाई चौधरी रुद्रसेन जी के नेतृत्व में जिले के अंदर हम निश्चित रूप से जो है बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। चौधरी साहब, क्या समाजवादी पार्टी सभी 11 ब्लॉकों में चुनाव लड़ेगी? सभी 11 ब्लॉकों में समाजवादी पार्टी महत्वपूर्ण भूमिका में होगी, क्योंकि वो महत्वपूर्ण विपक्ष की भूमिका निभा रही है। आज जिस तरीके से सभी ब्लॉकों के अंदर जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के अनुसार जहां जहां जिस तरीके की रणनीति अख्तियार कर भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने का काम किया जाएगा, वो रणनीति अपनाई जाएगी। जिला पंचायत अध्यक्ष की यदि हम बात करें तो संयुक्त मोर्चा में समाजवादी पार्टी भी शामिल रही है, तो ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर क्या संयुक्त मोर्चा का आप लोग समर्थन करेंगे? संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में जो है ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़ा जाएगा? जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में आप लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर देखा होगा कि किस तरीके से DM और SSP पार्टी बनकर चुनाव लड़ रहे थे। शासन, पुलिस प्रशासन, जिस तरीके से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, नंगा नाच हुआ, खुले गुंडई हुई इस पूरे प्रदेश के अंदर, वो सबके सामने है। मीडिया हर चीज़ को कवरेज कर रही है, क्योंकि मीडिया जिस तरीके से आज अपना रोल अदा कर रही है, महत्वपूर्ण भूमिका जनमानस में आप जाकर देख लीजिए। ये भले ही जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव संख्या के आधार पर गुंडई के बल पर जीत गए हों, लेकिन आम जनमानस में ये पूरी तरीके से नकार चुके हैं। चौधरी साहब, जिस तरीके से आप सत्ताधारी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में कहीं ना कहीं सत्ता का दुरुपयोग किया गया है, तो मेरा आपसे एक बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी भी प्रदेश में है और सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है और ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव भी अभी 8 जुलाई को नामांकन है और 10 जुलाई में परिणाम आने हैं, तो क्या आपको लगता है कि ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में भी सत्ता कहीं ना कहीं दुरुपयोग करने का काम करेगी? देखो, जहाँ तक है इसकी जिला पंचायत के अध्यक्ष के बाद ब्लॉक प्रमुखी की बात है, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये सच साबित है, ये तो खुलेआम हुआ, मेरा आरोप नहीं, मैं तो बल्कि ये कह रहा हूँ कि इन्होंने खुलेआम गुंडागर्दी की है पुलिस प्रशासन के द्वारा मिलकर, तो इसमें आरोप क्या है, वो तो सच हो गया। रही ब्लॉक प्रमुखी की बात, जिसकी जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति के अनुसार वो करेगा। भारतीय जनता पार्टी की प्रवृत्ति ही इस तरीके की है, लेकिन अब जिस तरीके से इन्होंने नंगा नाच किया, उससे सभी सतर्क हैं और उम्मीद यह है कि इनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और जनता इनको सबक सिखाएगी। जनता को ये नहीं नकार सकते। मेरा आपसे अब आखिरी सवाल है, गंगो ब्लॉक की यदि हम बात करें तो आज़ादी के बाद से चौधरी परिवार का, आप लोगों का यहाँ पर ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में दबदबा रहा है, केवल एक बार ही आप लोगों को शिकस्त का सामना करना पड़ा है, तो इस बार के ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में किस प्रकार के परिणाम रहने की संभावना है? देखिए, दबदबा सब तो नहीं कहा जाएगा, क्योंकि प्यार और मोहब्बत जिस तरीके से यहाँ की जनता का हमारे साथ रहा है हमेशा,
हमने जनता के दिलों में जगह बनाई है, असली पद जनता के दिलों में जगह बनाना है, उसी के बल पर हम हमेशा चुनाव जीतते आए हैं और निश्चित रूप से अब की बार भी हम पुनः उसी क्रम को जारी रखते हुए बहुत अच्छे ढंग से विजय हासिल करेंगे। तो ये थे हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के गंगो विधानसभा प्रभारी चौधरी इंद्रसेन जी, जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि ब्लॉक प्रमुख ही चुनाव में इस बार सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त का मुंह देखना पड़ेगा और समाजवादी पार्टी बड़े अंतर से ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जीत दर्ज करने का काम करेगी। अपने सहयोगी साथी संजय चौधरी के साथ हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क के लिए सहारनपुर से विपिन चौधरी।